बोलो। श्रावण के इस पावन पर्व जो शुरू हो चुका है 2 महीने के लिए, ये भगवान शिव का प्रिय पर्व रहता है। इसी उपलक्ष्य में बाबा कैलाश देव मंदिर ठठर भंग तलाव में दिव्य ज्योति जगदीश संस्थान से संबंधित स्वामी विज्ञानंद जी द्वारा मंदिर परिसर में शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो 13, 14, 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे से सायं 6 बजे तक रहेगी। इस सावन के महीने में शिव जी की कथा सुनने को मिले, यह सब भक्तों की इच्छा रहती है। इसी को देखते हुए इसका आयोजन किया जा रहा है। सब लोगों से, क्षेत्र के लोगों से, आसपास के क्षेत्र के लोगों से, सब लोगों से निवेदन है कि इस कथा में आकर के और पुण्य के सहभागी बने, इस कथा का लाभ उठाएं। बाबा कैलाश देव मंदिर ठठर बंद तलाव 3 बजे से 6 बजे तक 13, 14, 15 जुलाई को स्वामी सुचेतानंद जी जागृति संस्थान के, यहाँ के जम्मू कश्मीर के संचालक हैं, उन्हीं की प्रेरणा से ये कथा का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि शक्तिधर जी के द्वारा बताया गया, 3 दिवसीय भगवान शिव कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। और भगवान शिव ने कहा भी है कि जीवन का सबसे बड़ा लाभ है जीवन में प्रभु की कथा की प्राप्ति का होना, और जीवन का सबसे बड़ा नुकसान है इंसान का ईश्वर की भक्ति से विमुख हो जाना। तो सभी को प्रभु की कृपा प्राप्त हो, सावन के इस पवित्र महीने में प्रभु की कथा, भगवान शिव की महिमा सुनने को मिले, ऐसी भावना के साथ 13 से 15 जुलाई यहाँ 3 दिवसीय शिव कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य स्वामी विज्ञानानंद जी विशेष तौर पर दिल्ली से पधार रहे हैं, अनेकों साधु महात्माओं के साथ। और संगीत में इस कथा में भगवान शिव की महिमा के साथ सभी लोग जान पाएंगे कि कैसे जीवन में ईश्वर की प्राप्ति हो, ईश्वर दर्शन का मार्ग कैसे मिले, और यह जीवन सफल और सार्थक कैसे हो। तो प्रतिदिन सायं दोपहर 3 बजे से सायं 6 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद प्रसाद भंडारे की व्यवस्था भी रहेगी। आप सभी क्षेत्र निवासी सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम का लाभ प्राप्त करें। ये सबसे निवेदन किया जाता है। जय श्री राम, जय भोले।